एनम जयन्तु शासन एनम जयन्तु शासन। कल हमने चार अनियों इस पाठ की चर्चा प्रारंभ की थी। चार अनियों में अनियों किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अनियों, किसे अनियों की क्या परिभाषा है जिनवाणी के कथन करने की शैली को अनियो कहते हैं। किसको कहते हैं? जिनवाणी के कथन करने की शैली माने पद्धति विधि, उस कथन करने की पद्धति को अनियो कहते हैं। और कितने हैं ये अनियोग? चार। इनमें चारों का प्रयोजन क्या है? वीतरागता। प्रथम अनियोग में किसका वर्णन है? महापुरुषों के जीवन चरित्र का, दो प्रकार से, एक तो पुराण और एक चरित्र। क्या अंतर है दोनों में? पुराण अनेक महापुरुषों का, चरित्र में प्रथमान योग में तीन बातों का वर्णन किया जाता है। किन किन का? संसार की विचित्रता, मतलब तीन बातों का वर्णन करके ये जीवों को धर्म में लगाता है। इसका प्रयोजन क्या है? जीवों को धर्म में लगाना, ये इसका प्रयोजन है। दूसरा पुण्य पाप, इसमें तीन बातों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? पुण्य पाप, संसार की विचित्रता, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप के फल का, और महापुरुषों के जीवन चरित्र का। इनका निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया है। पेज नंबर निकालो आप लोग, 268। प्रथमान योग का प्रयोजन अपन इसको से पढ़ते हैं। प्रथमान योग में तो संसार की विचित्रता, देखो संसार की विचित्रता, क्षण भर में जीव क्या रहता है, क्षण भर में क्या रहता है, क्षण भर पहले 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसको नमस्कार करे, अनेक रानियां उसके पेड़ दबाती हैं, और क्षण भर बाद 32,000 सोटे उसको पड़ रहे हैं, पांव दबने की जगह पांव कट रहे हैं, साथ में रखकर आ गई उसने संसार की विचित्रता। देखो आप, क्षण भर पहले महापुण्य का उदय है, क्षण भर बाद तीव्र पाप का उदय, एक समय पहले देव, अगले समय बाद एक इंद्रिय, कितना विचित्र है। अरे संसार कितना क्षणभंगुर है, कर्म की विचित्रता ख्याल में आती है, संसार की विचित्रता। एक तरफ देखो तो संसार कितना, एक तरफ महापाप का उदय, एक तरफ महापुण्य का उदय, एक सातवां नरक, एक 31 सागर विवेक, नौवा विवेक, एक इकेंद्रीय पर्याय, एक पंचेंद्रीय पर्याय, एक त्रियंच के दुख, एक मनुष्य गति में देख। तो ये सब संसार का स्वरूप दिखाता है ना। देखे जैसे किसी ने चार गति थ्योरी में नहीं भी पढ़ी हो तो वो उसको हम प्रथमान योग के माध्यम से पढ़ा देंगे। कैसे पढ़ा देंगे? हम जीवों को उस जो जिस जो भी हमारा नायक होगा उस नायक को हम चार गति में भेज देंगे, और वह भेज के उसका वर्णन कर देंगे, और उसके माध्यम से भी बता देंगे कि देखो किसने किस काम के फल से कौन सी गति में हो गया क्या। तो वो संसार मतलब विचित्र जो है, अनेक प्रकार का संसार, अनेक प्रकार की जो वैरायटी इसमें, कई घोर आपदाएं हैं, कई घोर पंच
प्रचुर प्रचुर भोग सामग्री है, कहीं प्रचुर प्रतिकूलताएं हैं, और जीवों के परिणाम भी बड़े प्रचुर हैं, अलग अलग तरह के, कितने अलग अलग तरह के परिणाम, सब संसार अलग अलग, कोई क्या, कोई के दिमाग क्या चलता है, कोई कैसे चलता है, कितनी विचित्रता है। अरे एक ही जीव के परिणाम कितने बदलते रहते हैं। सुपर्णखा, सुपर्णखा थी ना, क्या कौन थी मालूम है, रावण की बहन जी, रावण की बहना, रावण की बहन थी। तो वो अपने बच्चे के लिए रोज खाने देने जाती थी, उसका बच्चा जो है वो सूर्यहास खड़ग की सिद्धि करने में लगा हुआ था, और वो सिद्धि एक दिन हो भी गई, लेकिन उसी समय जब चंद्र जब उस खड़ग की सिद्धि हुई, तलवार की सिद्धि हुई, उसी समय लक्ष्मण आया, और लक्ष्मण ने उस तलवार को हाथ में लिया, तलवार तो सिद्ध हो गई थी लेकिन वो बाहर थी बीड़े के बाहर, उसी तलवार को हाथ में लेके उसी बीड़े पे उसने उसका टेस्ट किया, बीड़े पे उसने उसका परीक्षण किया, और उसी बीड़े में बैठने वाले शंभु कुमार का मरण हो गया उसी तलवार से। अब उसने 12 साल तक सिद्धि करी, उसको नहीं मिली, फिर कुछ नहीं किया, घूमते रहे और बस सुगंध की दिशा में गए, हाथ में ली ये चलाया और तलवार के मालिक हो गए। अब उसकी माँ आई अगले दिन, तो माँ ने देखा लड़का मर चुका, भयंकर दुखी हुई, तो सोच के गई थी कि मेरा बेटे ने विद्या सिद्ध कर ली, अब इसकी बहुत प्रशंसा होगी, मेरा भाई भी इसकी बहुत तारीफ करेगा, इसको मेरा भाई से भी इसको बहुत अच्छा पद मिल जाएगा, और अब मेरे पति भी बहुत अच्छा हो पराक्रमी है, मेरा पुत्र भी पराक्रमी, जगत में मेरी ख्याति फैल जाएगी। और क्षण भर में देखा इधर तो पुत्र मर गया, भयंकर शोक उत्पन्न हुआ। अब देखने गए फिर शोक थोड़ी देर में शोक से क्रोध में आ गई, कौन ने मारा है निर्जन वन में, कौन है इसका शत्रु जिसने इसको मारा, क्रोध की भरी हुई गई। राम और लक्ष्मण को देखा क्रोध खत्म हो गया, उनके ऊपर राग उत्पन्न हो गया, उनसे कहती है कि मैं तो जंगल में अकेली बिछुड़ गई हूँ, तो तुम मेरे को अपनी पत्नी बना। उन्होंने मना कर दिया तो फिर गुस्सा आ गया, फिर गुस्सा आ गया, फिर अपने पति के पास गए, छल कपट किया। तो कितने चरित्र, कितने तरह के मतलब वो त्रिया चरित्र देख सकते हैं एक क्षण 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 भर में, क्या हर्ष विषाद क्रोध राग, फिर क्रोध फिर छल कपट, नाना प्रकार के, तो सब जीवों के विचित्र परिणाम, संसार की विचित्रताएं, पुण्य पाप के फल, कर्मों के फल, नाना प्रकार के, देखो कोई जीव कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। पति पत्नी में पत्नी चली जाती नरक, पति मोक्ष चले जाता, भाई नरक और मोक्ष, पिता नरक पुत्र मोक्ष, पिता मोक्ष पुत्र नरक, तो ऐसे बहुत मतलब इस संसार कितना विचित्र है, संसार में कितनी वैरायटीज है, एकता कुछ भी नहीं है। ये सब का ज्ञान करा था, पुण्य पाप का फल, कितना नाना प्रकार के जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अपने कोई भले ही परिवार में साथ साथ रहे उससे उसे कोई संबंध नहीं, आए भी अलग अलग गति से हैं, जाएंगे भी अपने अपने कर्म बांध के अलग अलग गति में, कौन किसी साथ जाएगा। अरे यहाँ भी रह रहे हैं तो सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, कौन एक दूसरे के कर्म के फल में सही होता है। घर के अंदर अनुकूलता हो फिर भी किसी को डिप्रेशन में पड़ने की आदत हो, डिप्रेशन चले जाओ, पता नहीं काय काय से मेरे को कुछ कहते ही कहते ही डिप्रेशन, क्या अगर कोई को रोग हो जाए, कोई योग में आ जाए किसी के, तो बहुत तरह की समस्याएं हैं। मैंने घर में 10 घर में सबके परिणाम अलग अलग रहते हैं, एक ही शरीर के संयोग होने पर भी, मैंने एक शरीर का संयोग मतलब वही सामग्री तो सबके पास है, वही मकान है, सबके परिणाम अलग अलग,
और परिणाम ही नहीं है, सब अलग अलग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कोई सुख का फल भोगता है उसी में, कोई दुख भी भोगता है, कोई आकुलता भोगता है, कोई थोड़ी शांति भोगता है, सबकी अलग अलग स्थिति। माने इस संसार में भले ही कोई कितने ही निकट का भी हो, लेकिन अपने अपने कर्म का फल कोई बांट नहीं सकता। पत्नी अपने कर्म का फल भोगती, पति अपने कर्म का फल भोगता। रोग शोक होते हैं तो कोई एक दूसरे के शोक को रोग को कोई बांट नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो अपना दुख अपने ही भोगता है, और हर जीव अपनी थिंकिंग से अपने सुख दुख को भोगता है। कोई सहयोग क्या करेंगे, यदि अच्छा सहयोग भी होता है और थिंकिंग ही उठपटांग होती है तो दुखी रह जाता आदमी। और किसी की थिंकिंग ठीक ठाक होती, तत्व ज्ञान हो, तो कुछ भी सही होगा, तो अपने निराकुलता अनुभव करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में ये पुण्य पाप का फल सबको एक मतलब अलग अलग तरह का मिलता है, एक जैसे संयोग होने पर भी। और तीसरी चीज है महापुरुषों का जीवन चाहिए। देखो महापुरुषों का जीवन चाहिए क्या, उनकी प्रवृत्ति थी, घर से बाहर निकाल दिया भाइयों ने कि भाई ये कुछ काम ही नहीं करते, थोड़ा काम वाम करे। तो पिता ने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, ये सब लोग पसंद नहीं कर रहे तुम, चले गए भैया। तो रास्ते में देखा उन्होंने कि एक आदमी हल जोत रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अपन ने सब विद्याएं सीखी लेकिन ये हल जोतना आज तक नहीं सीखा, हल कैसे जोता जाता। तो उन्होंने उससे कहा कि भैया थोड़ी देर में जोत लूँ इसको, कैसे क्या करना है, जरा थोड़ा करना चाहता हूँ इसको, मैंने ये नहीं किया, देख तो लिया तुमको कि कैसे जोतते हो, लेकिन इसको काम करने का रस। तो उसने ठीक है मैं खाना खा के आता हूँ तुम जोतो। किसान ने कहा आपने क्या, और वो जैसे ही उसने जोतना चालू किया उसको वहाँ उसका हल अटक गया एक जगह, हल अटका, वहाँ देखा खोद के तो वहाँ गड़ा हुआ धन मिला उसको, गड़ा था, गड़े में बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ थी। अब ऐसे में यदि आज का आदमी होएगा तो क्या करेगा, फटाक से लेके भागेगा, जितनी तेजी से हो सकता हो उतनी। लेकिन उन्होंने फटाक से उसको दबा दिया वापस, ये धन बहुत बुरी चीज है और ये देख लेगा तो मेरे को भी कुछ करे, और दूसरी बात ये तो इसका है, इसके खेत का। वापस से उसने फटाफट धूल वूल लगा के डाल के वापिस रख दिया और चलता रहा। फिर वो आया किसान, किसान ने खुद जोतना चालू किया, किसान को मिल गया एकदम। तो किसान भी कितना ईमानदार, उसने कहा कि ये उसका है, इसका क्योंकि मैं तो इतने साल से खोद रहा हूँ तो भी नहीं निकला, अभी हाल उसने खोदा था और उसको निकला है। तो वो दौड़ दौड़ के उसको बुला के लाया, तो बोले धन तुम रखो। महापुरुषों के अंदर चलो वो तो थे महापुरुष थे, तो किसान भी महापुरुष था। ऐसा किसान मिलना भी आज हिंदुस्तान में दुर्लभ है, कोई ऐसा एक भी नहीं। तो सोचे करना क्या आपने का, किसानी बंद कल से, ये खाओ मजे करो। और भी बहुत सारी ऐसी मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं बिल्कुल महापुरुषों की जो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाले हैं जीवों को, सामान्य जीवों को। रामचंद्र जी का जीवन चरित्र देख लो अपन, वराह चरित्र देख लो, जीवनधर चरित्र, कोटि श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल, मेरा सुंदरी, क्या मतलब ये सब जीवन चरित्र आदर्श जीवन जीने की हमको प्रेरणा देते हैं कि कैसी निष्प्रता अंतरंग में उनके थी, और उनके जो प्रिंसिपल, उनके जो सिद्धांत थे, उनको उन्होंने कितनी अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार रखा था। क्या सीता जैसी सती, उसकी कहानी सबको पढ़ना चाहिए, खासकर आजकल की लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, शादी के पहले, शादी के बाद में। देखो मतलब कितना उत्कृष्ट जीवन था उसने छोड़ा उनको, रामचंद्र जी ने सीता जी को भरे जंगल में और तीर्थ यात्रा के बहाने उनको छुड़वा दिया, जाओ तीर्थ यात्रा करने के लिए तुमको सेनापति ले जाएगा, और तीर्थ यात्रा के बहाने उसको भरे जंगल में भिजवा दिया। भरे जंगल में वो सेनापति उनको अकेला छोड़ के आने लगा। तो वो उससे पूछा कि भाई यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ, बोले ऐसे ही हमारे राजा का हुकुम है।
कि आपको जंगल के अंदर अकेला छोड़ दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अपना धैर्य नहीं खोया, उन्होंने क्या कहा उनको कि ये तो ठीक है तुमने लोकापवाद के भय से मेरे को छोड़ दिया है, लेकिन कभी लोकापवाद के भय से जैन धर्म भी मत छोड़ देना, क्योंकि मैं तो ठीक है मैं नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन ये धर्म छोड़ दिया तो भाव भाव में उसका मिलना मिल जाएगा। और जबकि वह एकदम मतलब महाशीलवंती स्त्री, तो बाद में भी जब वो वापिस पुनः आई तब भी उन्होंने रामचंद्र जी से ही कहा कि हे रामचंद्र जी यदि मेरे में दोष हो तो आप कहो, वो परीक्षा लेने को मैं तैयार हूँ, आप कहो तो मैं जहर पी जाऊँ, आप कहो तो मैं अग्नि में कूद जाऊँ, आप जो कहो और भी कोई यदि कोई परीक्षा लेनी हो तो मैं स्वीकार। फिर उन्होंने उसके लिए उदंड मतलब परीक्षा के लिए वो निश्चित किया अग्नि में कूदना, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। अब है कोई ऐसी एक भी जिसमें गलती, तो किसमें सीता जी की तो कोई गलती थी ना, रामचंद्र जी के अपराध से सीता का अपहरण हुआ, मतलब उसमें सीता का ही गलती, सीता का क्या दोष था भाई, तुम्हारे साथ थी, रक्षा का भार तो तुम्हारे ऊपर था, अब वो कोई ले गया तो जो गलती तो तुम्हारी रही है। और मतलब तो भी वो उन्होंने बराबर उसके मतलब आदर्श सतीत्व का उदाहरण दिया। तो अब इतना अपन तो अपन इतना एकदम एक्सट्रीम वाला बता रहे हैं केस, कम से कम थोड़ा बहुत तो इन महिलाओं को आया कुछ तो अक्ल कि भाई अपने को कैसे धर्म का साथ नहीं छोड़ना, नहीं तो वो तो सीधे ही बोले कि अच्छा मेरे को जंगल में छोड़ दिया, लाया करना पड़ेगा। मतलब ये जितने भी सतियों के जीवन चरित्र है ना, ये बहुत पढ़ने लायक है ये सब। मीना सुंदरी मनोरमा और अंजना, सीता, आनंद सरा, रेवती रानी, अंजना, ए वो अनंगमती वाला चंदना अनंगमती, ये सब है ये सब एक से। तो ये सब इससे क्या है कि अपने अपना जो मतलब अपने को उन जैसा जीवन जीने की प्रेरणा मिलती। अब वो आजकल तो लोग क्या पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे का चरित्र पढ़ते सुनते हैं कि हम कह ही नहीं सकते, इसलिए वो है कि भाई प्रथमानी में थोड़ा पढ़ो, कहानियाँ पढ़ने का भी जिसको रस हो तो उनको बच्चों को अपने को महापुरुषों की कहानियाँ देनी चाहिए, मतलब पुराण और चरित्र ये देना चाहिए पढ़ने। लाइब्रेरी होनी चाहिए घर में, तो उस लाइब्रेरी के अंदर प्रथमान योग की बहुत सारी किताबें हो, जैन धर्म की कहानियां छपी हुई है भाग 1 से 10 तक, 1 से 18 तक छप गए बोलो, मैं तो 9 तक ही पढ़े थे और वो तो उसमें से निकले, वैसे 24 तक का पुराण आप पढ़ लो तो 24 तक का पुराण में बहुत सारी कहानियां अपने आप मिल जाएगी, सब तीर्थंकरों की महापुरुषों की, सब पद्म पुराण पढ़ लो, तो वो बचपन में वो पढ़ लेंगे ना तो अच्छी चीज़ों के संस्कार अपने खून में आ जाएंगे कि ये अच्छा काम करना, और नहीं तो बचपन से ये जो है सलमान खान और कादर खान और कौन कौन से खान को देखते रहेंगे तो खान ही खाना है उनको, कौन से खान है सर, मैंने जो जो निकृष्ट आचरण है वो बच्चों के आदर्श हो गए, जिनका सबसे निकृष्ट चरित्र था वो उन चरित्रवान को उन्होंने आदर्श बना के उनके फोटो लगे रहते हैं। और इनसे पूछो कि अनंगमती कौन थी अनंगमती, अंजना कौन थी, अंजना मेरी तो कोई सहेली भी नहीं, अंजना चंदना अंजना, ये स्थिति है। इसका सबका कारण ये है कि बिल्कुल प्रथमान योग की बिल्कुल अवहेलना सी हो गई है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ता ही नहीं उसको, क्या जो सिद्धांत पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते हैं, और जो सिद्धांत नहीं पढ़ते उनको स्वाध्याय का है नहीं, वो तो पढ़ते ही भी नहीं कुछ भी, तो सब तरफ से बेचारा वो मतलब वो एकदम गौण हो गया। पढ़ो उसको, एक जैसे भी प्रथमा नियोग बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड 4-6 तो ग्रंथ है बस, और 4-6 ग्रंथों में 90% कहानी आ जाएगी। आप एक तो पद्म पुराण पढ़ लो, हरिवंश पुराण,
24 तीर्थंकर पुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण, पांच पुराण पढ़ बस। कितने साल? नहीं, पांच दस महीने का कोर्स ही है, मुश्किल से 10 महीने का। अखबार पढ़ते हो रोज? जितना अखबार पढ़ते हो उसका आधा टाइम यदि आपने पुराण एक एक दिन में पढ़ा तो मैं गारंटी से कहता हूँ 2 महीने में एक पुराण पढ़ हो जाएगा क्या? और नहीं तो सबसे सरल हो तो 24 तीर्थंकर पुराण से चालू करो, या पद्म पुराण से चालू करो, फिर हरिवंश पुराण, आदि पुराण दो भागों में छपा है, आदि पुराण उत्तर पुराण, आदि पुराण पढ़ना। उसमें उसमें हर चीज की क्रियाएं दी है ये कि आदमी को सबसे पहले शादी के बाद क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हनीमून मना जाना चाहिए। उसमें लिखा है कि आदमी को शादी के बाद 7 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने जाना चाहिए। सिद्धवर कुंभ में सब शिखर जी सब कोई सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करे, वो सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करके और फिर वो ग्रह में प्रवेश करे, और फिर उसका जो है पूरा कार्यक्रम होता है, और फिर उसके बाद में उसको ग्रह के अंदर प्रवेश करने की अनुमति, प्रवेश करने की अनुमति मतलब उसको ग्रह का भार सौंपा जाता है, मैंने गृहस्थाश्रम में तब प्रवेश करता है। उसकी पूरे श्रावक की 53 क्रियाओं का वर्णन है उसमें, दीक्षा है मतलब जन्म से लेकर गर्भ से लेकर मोक्ष जाने तक की क्रियाओं का, किसी को मालूम नहीं सब। अब तो लोगों बस क्या है कि ना तो कुछ मालूम है क्या करना चाहिए, बस जो 2-4 चीजें पढ़ सुन रखी है देख रखी है जिंदगी में बस वो धर्म है, और खुद रिसर्च करने का कोई काम ही नहीं है कि इसमें क्या लिखे। अब किसी को बताओ भैया हनीमून तो तिरुक्षेत्र में बनता है, वो भी ब्रह्मचर्य से लेकर, नहीं तो वो तिरुक्षेत्र को बिगाड़ गया। सुनेगा 7 दिन तक की मर्यादा है उसकी, और हर चीज की है वो कब हो जाए, कितनी उम्र बड़ा होने पे गृहस्थी का सारा भार अपने पुत्र को सौंपे, और क्या के सौंपे, अब तक मैंने इस जो पूर्वजों से चला आया धन था उसकी मैंने अब तक सुरक्षा की, अब तुम इसके योग्य हो गए हो इसलिए मैं सारा काम तुमको सौंपता हूँ। और जिस प्रकार से पहले मैं धर्म कार्यों के लिए दान देता आया और अपने परिवार का पालन पोषण करते आया, हे पुत्र अब तुमको भी उसी तरह से धर्म क्षेत्र के अंदर धर्म कार्यों में निरंतर इस पूंजी का उपयोग करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। और इस तरह से वो शादी के बाद यानी शादी होने के थोड़े समय बाद ही पिता रिटायर हो जाता है, उसके अंदर ऐसा लिखा है। और फिर उसके बाद उसका पुत्र होता है तो पुत्र का जो विवाह विवाह किया तो बच्चे को भी पुत्र होगा तो वो क्या करेगा, मंदिर ले जाते हैं, तो मंदिर ले जाने की क्या विधियाँ हैं, क्या क्या उसके क्रियाएं होती है, सब वर्णन है, सारे मंत्र सब बढ़िया, वो सब प्रामाणिक है। क्या मैंने किसी भी एक भी आदमी को उस रीति से कोई काम करते हुए देखा है, क्योंकि वो जनवाणी में लिखी है सब पद्धति, आदि पुराण में है सब 48 क्रियाएं, दीक्षा की दीक्षा में 53 क्रियाएं, उन सबका वर्णन, और वो पूरा तीर्थंकर बनने तक की, गर्भ से लेके तीर्थंकर बनने तक की। तो उसमें क्या है कि गर्भ से लेकर तीर्थंकर बनने तक के उसी भाव में तीर्थंकर नहीं बनेगा, उस भाव में तो ये थोड़ी साधना करेगा फिर देव बनेगा, फिर देव की क्रिया है उसमें सब, कि देव बन के वो क्या करेगा, फिर देव से मरेगा तब क्या करेगा, फिर यहाँ जन्म लेगा, फिर यहाँ जन्म से लेके उसे कल्याणक बनेंगे, कल्याणक बनाने में दीक्षा होगी, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, पूरा होगा। कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसको, पूरी 53 क्रिया है श्रावक की, कब क्या किस उम्र में क्या क्या करना चाहिए, कब काम करना चाहिए, कब काम छोड़ेगा, कब क्या करेगा, क्या मतलब उसके अंदर चरणानियों का भी निरूपण है। तो ये 4-6 ग्रंथ है, पढ़ो थोड़ा सा इसको, 4-6 ग्रंथों को कौन कौन से बताएं। सबसे पहला 24 तीर्थंकर पुराण लिख लो एक बार, 24 तीर्थंकर पुराण, 24 तीर्थंकर पुराण को सबके अपन को मतलब सबसे पूछेंगे किस किस ने पढ़ा, ये तो सबको पढ़ना है, पढ़ना ये तो सबके लिए बेसिक मिनिमम है, पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने यदि मेरे जीवन में सबसे पहले कोई पुराण पढ़ाता तो 24 तीर्थंकर पुराण ही पढ़ाता, 24 तीर्थंकर पुराण ब्रह्मचारी हरिलाल जी का लिखा हुआ है,
ब्रह्मचारी हरिलाल, हरिलाल ब्रह्मचारी हरिलाल लिख लिया, हरि भाई हरिलाल जो भी पहला हो गया। दूसरा लिखो पद्म पुराण, पद्म पुराण दौलत राम जी की वचनिका, किनकी वचनिका, दौलत राम जी की वचनी पद्म पुराण, मतलब बड़ा है तीन भाग में, रविशन आचार्य का जो हिंदी अनुवाद वचनिका एक ही भाग में सब कुछ है, छोटी भी है वो और वो भी बहुत बढ़िया भाषा में लिखी है। तो भाई दौलत राम जी की वचनिका पद्म पुराण, तीसरा आदि पुराण जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, आदि पुराण भाग एक और भाग दो, दो भाग में आदि पुराण। इसके बाद में लिखो उत्तर पुराण, जो आदि पुराण का उत्तरार्ध है इसलिए उसका नाम ही उत्तर पुराण, आदि माने पहले उत्तर माने बाद में, उत्तर पुराण। फिर है आपका हरिवंश पुराण, बहुत बढ़िया चारों पुराण। और ये पुराण हो जाए तो थोड़े चरित्र के नाम बता देता हूँ मैं, देखो है उत्तर पुराण के बाद हरिवंश पुराण, भारतीय ज्ञानपीठ से हरिवंश पुराण ही भारतीय ज्ञानपीठ से, आदि पुराण दो भाग, उत्तर पुराण हरिवंश पुराण, चारों भारतीय ज्ञानपीठ से छपे। और यहाँ और सुन लो देखो, इसके अलावा छत्र चूड़ामणि, नहीं बढ़ते शुरू, छत्र चूड़ामणि बढ़ते शिवो, मैं बताऊंगा क्या है। छत्र चूड़ामणि हो गया, जीवंदर स्वामी का चरित्र इसमें, उसके अलावा जम्मू स्वामी चरित्र, और वलांग चरित्र, वलांग वलांग चरित्र वलांग वलांग चरित्र, और श्रेणी चरित्र, प्रद्युमन चरित्र, ये बहुत देखते ही पढ़ लो अभी आप पहले सुनने के बाद क्या आदि पुराण में भरत भरत चक्रवर्ती की सारी कहानी है। प्रत्येक वैभव में कितनी चीजें ऐसी मैं तो प्रत्येक वैभव में तीन चार बार पढ़ा रहे, लेकिन किसी को भी सजेस्ट नहीं करता जब तक वो सिद्धांत नहीं पढ़ ले पूरा। हो गए क्या हुआ आखिरी क्या होता है, ये चरित्र होता है ना, श्रीपाल चरित्र, श्रीपाल चरित्र श्रेणी चरित्र प्रद्युम्न चरित्र, श्रीपाल चरित्र लिख रहे तो प्रद्युम्न चरित्र तो देखो पूरा मतलब पूरी मूवी है, उसमें कॉमेडी है पूरी एक तरह से, उसमें सारे सारे मसाले पिक्चर जैसे, पिक्चर के भी मसाले उतने नहीं मिलेंगे उसमें। धन्य कुमार चरित्र जो भी है मतलब ऐसे तो भी बहुत सारे हैं, पर ये मेन मेन है ये जो खास खास से आपको बता दिए, ऐसे तो वो बहुत है, अभी 8-10 हो रहे मेरे ध्यान में, तो मैंने जान करके उसको स्किप कर दिया, मैंने कहा इतने हो जाए मेन ये सब, ये हो गए, ये पूरा प्रथम प्रथमा नियम आ गया। अब देखो इससे अपन पढ़ते हैं इसके आगे क्या है। महान पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया, क्या इसका मेन प्रयोजन क्या है, इनका निरूपण करके वो जीवों को कायम लगाते हैं धर्म में, कोई हमको कहानियाँ नहीं बतानी आपको, हमारा को तो उनका जीवन चरित्र बता के आपको ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा देना, आपको हमको धर्म में लगाना है कैसे भी करके। अब आप कहानी के माध्यम से लग रहे हो तो कहानी के माध्यम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा गोल तो ये कि आप माल खरीद के जाओ क्या। तो इस प्रकार से इसका निरूपण करके मतलब निरूपण करके भी जीवों को लगाना का है धर्म। देखो आगे, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सम्मुख होते हैं, जो जीव बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं होते हैं वो भी उससे धर्म सम्मुख हो जाते हैं, धर्म मतलब धर्म के सम्मुख, धर्म धर्म बुद्धि उनमें उत्पन्न हो जाती है। क्यों, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, बिल्कुल बारीक बात करें तो लौकिक कथाओं को जानते हैं कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, राजा है रानी है, लेकिन ये सब चीज़ें समझते हैं,
मैंने प्रथमा नियोग तो ऐसा है कि किसी को भी सुनाया जाए वो उसको समझ जाएगा, क्योंकि उसमें लौकिक कथाओं का निरूपण है और लौकिक में सब चतुर है, इसलिए लौकिक कथाओं को सब समझ जाते हैं। तो लौकिक कथाओं को जानते हैं वहाँ उनका उपयोग लगता है, अच्छे से मन भी लगता है लोगों का। तथा प्रथमा नियोग में लौकिक प्रवृत्ति रूपी निरूपण होने से उसे भली भांति समझ जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं रक्षा है। तथा लोक में तो राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है, लौकिक कथा हम करेंगे दूसरी तो उसमें किसका पोषण होगा, पाप। और वहां महान पुरुष राजादिक की कथाएं तो है, वहां भी राजादिक की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहां था पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। मैंने देखो आदमी को जिसको भी पढ़ने की रुचि है, जिनकी पढ़ने की रुचि है या नहीं भी है, तो भी आदमी का एक नेचर है कि वो पढ़ना चाहता है। अब पढ़ना चाहेगा तो वो, यदि तुम उसको धर्म कथा नहीं दोगे तो वो मनोहर कथा पढ़ेगा, क्या 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 आती है वो जो भी है मनोहर कहा है ना, पर पढ़ने की तो आदत है ना आदमी को, तो अब वो कह रहे हैं कि वो पढ़ेगा तो उनमें तो जहां था प्रयोजन पाप का ही, पाप में लगाने का, और इनमें तो जहां था प्रयोजन पाप छुड़ाकर धर्म में लगाने का। परंतु प्रयोजन जहां था पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं, इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, क्योंकि है कथाएं, और कथाओं के तो हर आदमी को पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, और बचपन में तो बहुत इंटरेस्ट होता है, बचपन में क्या बड़े होने पर भी कथाएं पढ़ने सुनने का रस आदमी को एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है। तो अब यदि वो लौकिक कथाएं पढ़ेगा तो उसमें लौकिक बुद्धि उत्पन्न होगी उसमें इस लोक संबंधी, क्योंकि जितनी भी दूसरी कथाएं हैं वो सारी इस भाव संबंधी है, उसमें परभाव की कोई चर्चा नहीं। और प्रथमा नियोग की कोई भी कथा ऐसी नहीं होती है जो इस भाव की हो, उसमें परभाव तो आएगा ही आएगा कि पिछले भाव में इसने क्या किया था, वहां से कहां से आया है, उसके पिछले में भी क्या था, पिछले में क्या था, वो आएगा आएगा। तो उसमें केवल इस लोक का वर्णन नहीं है कि इस लोक इसी ये जिंदगी अपनी सब कुछ है, वो अपने आप पर भाव इस भाव का वर्णन करके जीवों को इस लोक तक ही नहीं पर लोक को भी सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। और दुनिया की आप कोई भी अखबार पढ़ लो, अखबार पढ़ के प्रेरणा मिलती है और अपना अगला भाव क्या होगा, तो ये मिलती है अभी कौन बन किसकी सरकार बनने वाली, भले 5 साल और वो भी पता नहीं क्या हो, किसका क्या हो, कौन है क्या है, किसे चाटता आदमी एकदम बिल्कुल। मैंने कहा भैया खुद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, और पढ़ते कितनी रुचि से उसको, जैसे कोई खुद को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा हो आप, और सब प्रयोजन क्या है उसमें पाप का, लेकिन पढ़ने का तो रस है अपने को, पढ़ने का रस है तो ऐसी किताबें अपने अपने जो है जहाँ भी आप बैठते हो वहाँ पे ऐसी किताबें रखो, अपनी लाइब्रेरी में, अपने बैठने के उठने के स्थान पर, अपने ऑफिस में, जहाँ भी पद्म पुराण रखो आप, सारे पुराण रख लो, जब भी अपना मन नहीं लग रहा है मतलब अपने को टाइम मिल गया फटाक से पढ़ लो, जैसे 5 मिनट मिले पढ़ लिया, तो वो करते करते भी धीरे धीरे पुराण हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में समय तो अपने को निकालना ही पड़ेगा। क्या आपके बिजनेस में भी कहीं भी बैठे हैं अपन, बहुत सारा समय अपने को ऐसे बैठे रहते हैं, ट्रेन में गए पुराण निकाला चल पूरी यात्रा खत्म, पुराण खत्म नहीं भी खत्म होगा तो भी बहुत कुछ हो जाएगा उसका वर्णन, और उसमें एक बार मन लग जाए शुरू के कुछ पन्नों बाद तो गाड़ी बहुत अच्छे से जाती है, बहुत आनंद आता है, ये सब ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम इस दुनिया में भी बैठे, ऐसा लगता है साक्षात राम रावण के पास ही बैठे, इसलिए बहुत रसीले हैं वो चीज इस संसार में आके, और जो जी प्रथमा नियोग का आनंद नहीं लूटा जिस आदमी ने, कहता हूँ उसने जैन धर्म का आनंद नहीं का लूटा। इतनी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हैं मतलब आपको पढ़ने के लिए, जो आप जिसमें आपकी रुचि भी लगती है, फिर भी रुचि लगने के बाद भी आप धर्म कथा ना पढ़ के फोकट की कहानी नहीं पढ़िए, तो ये अपने महा खोटी बुद्धि होगी कि नहीं। लौकिक कथाओं में तो कुछ सार नहीं, वो केवल अपनी और एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व बुद्धि को दृढ़ करती है, कषायों को दृढ़ करती है, पंचेंद्रिय के विषय भोग की इच्छाओं को बढ़ाती है,
उसमें उन्हें होता क्या है, इसका एडवर्टाइज, इसका एडवर्टाइज, इसका एडवर्टाइज, इसका एडवर्टाइज, पांच इंद्रिय भोग की चीजें। इस प्रकार इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं और फिर पाप को क्या जानते हैं, बुरा। उनमें जगह जगह पाप का फल बुरा दिखाया जाता है, तो पाप को क्या मानते हैं, वो बुरा, और धर्म को भला, क्योंकि धर्म का फल अच्छा दिख रहा है वहां पर। तो अपने आप पाप के प्रति हे बुद्धि और धर्म के प्रति उपादेय बुद्धि अपने आप हो जाती है, मतलब पाप को बुरा धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं, धर्म में रुचि बढ़ जाती है अपने आप। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह नियोग है। किनके लिए ये तुच्छ बुद्धियों, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको ये कहने में, ये अनियोग जो है ये वास्तव में जो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, जो बिल्कुल कथाएं पढ़ने सुनने का जिनको रस है, जो उन कथाओं के माध्यम से धर्म में लग सकते हैं, उनके लिए हमने ये रचा, क्योंकि वो कथाओं के लालच से इसको पढ़ेंगे और धर्म में रुचिवंत होंगे। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनियोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ये देखो प्रथम का अर्थ, उसके अर्थ जो अनियोग से प्रथमा नियोग है, प्रथम माने फर्स्ट पढ़ना, ऐसा नहीं है। यदि प्रथम माने फर्स्ट होता तो फिर कर्णानियोग का नाम होता द्वितीय नियोग, चरणानियोग का तृतीय नियोग, और द्रव्यानियोग का चतुर्था नियोग, लेकिन ऐसा अर्थ है ही नहीं उसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनवाणी बिना पढ़े अपनी बुद्धि से अपना अर्थ लगाएंगे तो प्रथमा नियोग पहले पढ़ना चाहिए। मैंने कहा भैया अभी आगे देखना तुम, वो तो कहेंगे आगे तो कि तुम्हारा जिसमें रस लगता वो पढ़ लेना, तुम यदि तुम तत्व के जानकार हो तो तुम्हारा जिसमें रस लगे वो पढ़ लो, रस लगना चाहिए। लेकिन बस जिनवाणी में एक पहले प्रथमा नियोग, फिर करना नियोग, फिर चढ़ना नियोग, फिर द्रव्या नियोग, ऐसा क्रम नहीं है। प्रथमा नियोग के बाद करना नियोग पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा क्या है क्या है, तो करना नियोग तो काफी सूक्ष्म विषयों का निरूपण करता समझ में आया ना, तो वो कोई क्रम, इस क्रम से लिखा है इसलिए ये इस क्रम से पढ़ना चाहिए, सो बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैं अपनी बात का समर्थन करने के लिए आगे जब अपन पढ़ेंगे तब आ जाएगी बात। तो इसलिए किसके लिए प्रथम माने अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, व्युत्पन्न माने जिसकी बुद्धि इतनी व्युत्पन्न नहीं हुई है, अभी बुद्धि इतनी मेच्योर नहीं हुई है, उसके लिए ये क्या है, उसके अर्थ जो अनियोग है सो प्रथमा नियोग है। ऐसा अर्थ गोबर सार की टीका में लिखा है, हम नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखा है, गोमठ सार की टीका, वहां जाके देख लो। अब देखो, अब वो कहते हैं कि चलो ये तो तुच्छ बुद्धियों के लिए, अपन तो बहुत बुद्धिमान लोग, तत्व ज्ञानी, मतलब हर आदमी अपने को सोचता है कि मेरे पास इतनी बुद्धि है उतनी तो किसी के पास नहीं, ये तो तुच्छ बुद्धियों के लिए। तो उन्होंने फिर अगला पैराग्राफ उन्हीं लोगों के लिए लिखा कि जो ये मानते हैं कि हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, केवल तुच्छ बुद्धियों के लिए कार्यकारी। जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो है, अब उनके लिए भी कहते हैं कि उनके लिए भी कार्यकारी, वो पश्चात इस प्रथमा नियोग को पढ़े सुने, समझो तत्व ज्ञान के बाद पढ़े सुने, तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप हासिल होता है। उनको ये क्या लगता है, जो उन्होंने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल दिख रहा है, उसके उदाहरण दिख रहे हैं। पाप का फल नरक देख, पाप का फल अपन ने पढ़ा करना नियोग में कि पाप का फल है नरक, कषाय का फल नरक है, बहु आराम बहु परिग्रह का फल नरक गति है। अब अपन जानेंगे सही, कोई ऐसा किसी ने कोई पहले ऐसे गया क्या बहु आरंभ बहु परिग्रह से नरक में, तो उसके प्रथमा नियोग में उदाहरण मिल जाएंगे, फलाना चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद में मरा, कहाँ गया, सातवें नरक, नरक की सातवें नरक, तो वो उसके सब उदाहरण भी अपने को प्रथमा नियोग में मिलेंगे। मैंने वो अपने फैक्ट की सिद्धि करने के लिए सारे एग्जाम्पल्स केस, समझ में आया ना, फैक्ट है वहां कहां, करना नियोग में, द्रव्या नियोग में, और वो जो फैक्ट वहां लिखे हैं कि इन भावों का फल ये आता है, वो उनके उदाहरण से प्रथमा नियोग में मिलेगा। तो जो तत्व ज्ञान के बाद में पढ़ेगा तो उसको और अच्छा पक्का होगा वो चीज, क्या देखो अपने चीज पढ़ी है तो इसका प्रत्यक्ष फल यहाँ प्रथमा नियोग में दिखना है। जैसे अब देखो और एक और बहुत बढ़िया उदाहरण, जैसे जीव अनादि निधन है, अपन ने पढ़ा जीव अनादि निधन, शरीर अधिक संयोगी पदार्थ है, शरीर संयोगी है, अनादिकाल से नहीं अनंत काल तक नया संयोग हुआ है, और क्या हो जाएगा इसका वियोग हो जाएगा निश्चित रूप से। तो शरीर अधिक संयोगी पदार्थ ऐसा ये जानता था, तथा पुराणों में जीवों के भावांतर निरूपित किए, वे उस जानने के उदाहरण हुए। अपन देखो यूं भले ही मैं कहता हूँ कोई को द्रव्या नियोग से करना नियोग से अपन कितने पढ़ाओ, जीव अनादि निधन है, जीव अनादि निधन है, रट लेगा वो, भाव वासना नहीं होती। और अपन यदि प्रथमा नियोग की कहानी बताओ कोई भी कहानी, तो
तो कहानी कोई भी होगी प्रतिमान योग की, तो उसमें कम से कम 10 भाव का निरूपण होगा। कितने भाव का? 10 भाव। लौकिक जितनी कहानियां होती है ना अपनी घर गृहस्थी की, उसमें अपन पीढ़ियों की बात करते हैं। हमारे पिताजी के पिताजी भी ऐसा करते थे, क्यों पिताजी के थे? नहीं, वो पिताजी के पिताजी के, मैंने तो अपने पिताजी के पिताजी को भी देखा था और वो भी ऐसे ही करते थे। मैंने वो अपने पारिवारिक जो शरीर की जो शरीर की जो कंटिन्यूटी है ना, शरीर की निरंतरता, उस पीढ़ी की चर्चा करेंगे। और धर्म में शरीर की चर्चा नहीं करते, धर्म में तो आत्मा की निरंतरता माने आत्मा के भावों की चर्चा करते। यह अंतर दोनों, लौकिक चर्चा कुल क्या है, जाति क्या है, इनकी चर्चाएं करेंगे। और धर्म तो कहेगा वहां से चालू होता है, धर्म तो आत्मा का तो कोई कुल है न जाति, ये तो अभी इस कुल में है, कल कोई और कुल में चले जाता है, परसों कोई और कुल में आ जाता है, इसका कहां कुल है न जाति है। तो धर्म जब 10 भावों का निरूपण करता है तो उससे ये चीज अपने आप सिद्ध हो जाती है कि जीव अनादि निधन है। कैसे सिद्ध हो जाती है? आप किसी भी जीव के 2 भाव सिद्ध कर दो, कितने भाव? 2, तो वो अनादि निधन सिद्ध हो जाए। जैसे बता रहा हूं, इस जीव के पहले एक भाव था, पहले एक भाव था, यदि ये सिद्ध हो गया कि ये जीव पहले कहीं था और वहां से आया, तो इसके पहले यदि एक भाव था तो उसके भी पहले का एक भाव सिद्ध हो, मतलब पहले यदि एक भाव पहले हो सकता है तो उसके भी पहले एक भाव क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो वो तो वो 10 भाव से सिद्ध करते ना, इसलिए हम जब 10 भाव का निरूपण कर रहे हैं तो 10 भाव में एक ही थोड़ी नहीं, 10 बता रहे हैं, तो 10 में कोई सा बीच का पकड़ो, तो 5 पहले के 4 बात के तो हो गए, तो 5 पहले के जब सिद्ध किए तो जब 5 पहले के हो सकते तो 5 पहले के 5 और क्यों नहीं हो सकते, उसके पहले और क्यों नहीं हो सकते? ऐसे जाते जाओ तो अनादि जीव सिद्ध हो जाएगा और अनंत भी ऐसे सिद्ध हो जाएगा। यदि एक भाव बाद में हो सकता है जीव का, तो वो एक भाव बाद हो सकता है, तो उसके एक भाव बाद और क्यों नहीं हो सकता? यदि जीव का अगला एक भाव सिद्ध हो गया तो उसका अगले वाला भी सिद्ध हो गया, यदि एक आगे का है तो उसके आगे भी एक हो सकता है, उसके आगे एक हो सकता है, उसके आगे एक हो सकता है, उसके आगे एक हो सकता है, ऐसे चलते जाएंगे तो वो अनंत भी सिद्ध हो जाएगा क्या? और यही कारण है कि जो लोग ये बचपन से कहानियां पढ़ते हैं ना, बहुत कुछ संस्कार उनके जीवन में आ जाते हैं। और जो ये कहानियां वानी नहीं पढ़ते हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं, व्हाट इज द प्रूफ कि हम नरक जाएंगे? जाएंगे तो देखिए, ऐसे ऊट पटांग बातें करते हैं और वो बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि लगाते हैं और उन लोगों को महान मानते हैं जो भी मीडिया ने जो उनको महान बताया है वो उनको महान मानते हैं। उनके आदर्श वो लोग रहते हैं, उनके आदर्श पुराण पुरुष नहीं रहते, तीर्थंकर पुराण पुरुष के आदर्श। कारण ये कि वो उसी उम्र में यदि पढ़ ले तो अपने आप उसको समझ में आया उस चीज़ की अच्छाई और बुराई क्या चीज़ है, अच्छाई और बुराई में अंतर करना सीखे। तो वो क्या बात थी अपनी, तो जीव अनादि निधन है, ये जीव पुराणों की कहानियों से अपने आप सिद्ध हो जाता है। जो पुराणों की कहानी पढ़ी थी है? भगवान हाँ सब ये चारों यमियों में जिनवाणी का अंश है, दिव्य ध्वनि का अंश है, उसके बिना कौन बताएगा? जैसे भगवान महावीर स्वामी अपने पूर्व भाव में शेर थे, ये उनकी दिव्य ध्वनि के बिना कौन बताता? बिना केवल ज्ञानी के प्रतिमान योग लिखा ही नहीं जा सकता। एक बार चरणा नियोग में फिर भी कोई अपनी बुद्धि लगा ले, एक प्रथमा नियोग तो पूरा केवल ज्ञानी के ज्ञान पे आधारित है, क्योंकि आप बता तो नहीं सकते किसी के 10 भाव पहले क्या था, अवधि ज्ञान नहीं हो, अवधि ज्ञान तो भी किसी को है नहीं, पर अवधि ज्ञान की भी एक सीमा है, लेकिन इतने भाव पहले कहाँ था, आगे मोक्ष अनंत काल तक रहेगा, ये जीव का क्या था क्या, ये सब केवल ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ये सब प्रथमा नियोग पूरा केवल ज्ञानी के ज्ञान के ऊपर अवलंबित है, सब कुछ भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का एक अंश है। तो वो कहते हैं अभी तो यहाँ शैली बता रहे हैं कि प्रथमान योग की जो स्टाइल है उससे हम क्या सिद्ध करते हैं, तो कह रहे हैं हम जो प्रिंसिपल्स बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि हमने कहा जीव अनादि निधन है, तो हमने भाव भावांतरों की कहानी से ये सिद्ध कर दिया कि जीव क्या है, अनादि। हमने कहा कि शरीर संयोगी पदार्थ है, तो हमने
जो भवांतरों की कहानी बताई उससे भी सिद्ध कर दिया कि शरीर का तो नया संयोग मिलता है और चला जाता है, शरीर को शाश्वत रहता है। ऐसे ही और देखो, तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, तीन भाव को जानता है, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव, एक शुद्ध भाव, तीन तरह के भाव थे। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ बंद, तामे शुभ अशुभ दो बंद, बंद कही करनी, मतलब तीन प्रकार की परिणति कही जीव की, पाप पुण्य और शुद्ध, यूं कहे अशुभ शुभ और शुद्ध, अशुभ माने पाप, शुभ माने पुण्य और तीसरी शुद्ध, शुद्ध माने पाप और पुण्य दोनों से रहित धर्म, शुद्धोपयोग शुद्ध। तो पाप पुण्य शुद्ध तीन प्रकार, अशुभ शुभ शुद्ध तीन प्रकार के परिणामों को अपन कैसे जानते थे, अन्य नियोग से, जिसने तत्व ज्ञान किया उसने अन्य नियोग से पढ़ रखे कि तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। हाँ, शुद्ध परिणाम शुभाशुभ भाव से रहित अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र परिणाम वो शुद्ध परिणाम। तो शुद्ध परिणाम का फल मोक्ष है, पुण्य का फल देवगति है, पाप का फल नरक के रहन है, ये अपन ने थ्योरी में पढ़ा। अब उसमें पुराणों में उदाहरण मिल जाते हैं, इसने ये काम किया पुण्य का काम देवगति गया, इसने पाप किया नरक गया, इसने शुद्धोपयोग किया मोक्ष गया, क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति, परंपरा से मोक्ष को प्राप्त किया। उन्हें रत्नत्रय का फल मोक्ष है वो दिखता है, पुण्य का फल देवगति वो दिखता है, पाप का फल नरक। हमने भाव थ्योरी में पढ़े इन भावों का ये फल होता है और वो भाव का फल हमको पुराणों में दिखे। तो इन्होंने लिखा था शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग को जानता था और उन उपयोग को भी जानता था कि ऐसा उपयोग ये अशुभ उपयोग है, ये शुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग, और वह उपयोग करता हुआ दिखाते ये आदमी ये कर रहा है ना ये अशुभ उपयोग है, ये कर रहा है ये शुभ उपयोग है, देखो ये इसमें लगा हुआ है, व्यवहार धर्म में लगा हुआ है, ये अपने आत्मस्वरूप की सिद्धि में लगा हुआ है। तो वो एक एक को अलग अलग कैरेक्टर बना बना के उसको डिफाइन करते हैं और फिर उन तीनों को अलग अलग गति के अंदर जब जाता हुआ देखते हैं तो अपने को पता फटाफट उसका फल भी दिख जाता है। पाप पुण्य और धर्म का फल यही, मैंने पुण्य का फल देवगति है और धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य का फल मोक्ष। तो पुण्य सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य के फल से इसको मोक्ष मिला, पुण्य से इसको मोक्ष नहीं मिला, वो सब उसमें सब दिखता सारा सब कुछ। तो शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग को जानता था, वो उसके फल को जानता था, पुराणों में उन उपयोग की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का क्या हुआ उसको एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार अन्य जानना और भी बहुत लगा लेना, ये तो पंडित जी ने एक ट्रेलर दिए, मैं कहता हूँ एक पन्ना दिया उन्होंने, कोई प्रथमा नियोग पढ़े और प्रथमा नियोग का क्या प्रयोजन है थोड़ा अपने शब्दों में लिखे कि और भी प्रथमा नियोग का क्या क्या प्रयोजन है, क्यों लिखे गए, हर चीज पे सोचो कि प्रथमा नियोग भगवान की वाणी में आया, भगवान जितेंद्र की वाणी में प्रथमा नियोग का निरूपण किया गया तो इसका प्रयोजन क्या है, क्यों आई इसकी बात, 24 सितंबरों की जीवन चरित्र जानने की क्यों आवश्यकता उन्होंने समझी, हमारे लिए उन्होंने क्या इसकी उपयोगिता जानी कि जिसकी वजह से उन्होंने इसका निरूपण किया, और क्या वो केवल तुच्छ बुद्धियों के लिए है और कि क्या वो सबके लिए है, क्या वो तत्व ज्ञानी के लिए भी, तो उस सबका उत्तर दिया उन्होंने, तो सबके लिए है जिनवाणी तो चारों यानी हो सबके लिए। और दूसरी बात ऐसा भी है कि कोई भी व्यक्ति एक में उपयोग लगा नहीं सकता, ये तो चारों एक दूसरे के पूरक है, आप पूरे समय सिद्धांत पढ़ोगे तो वो थकान हो जाएगा दिमाग, थोड़ा सा आप लाइट सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो लाइट सब्जेक्ट के लिए। यह उदाहरण का अर्थ यह कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहां किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी, साक्षी मतलब सामने के सामने प्रूफ दिख गया। तथा आखिरी पैराग्राफ और जोरदार है, तथा जैसे कोई सुभट है, सुभट माने सुभट माने पहलवान दादा, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है, क्या लोक में जिनको जिसमें रस होता है ना, जैसे जिनको दादागिरी का रस होता है, तो मैंने देखा एक बार मैं आगरा गया था
तो रास्ते में ट्रेन में जिस डिब्बे में था मैं, उस डिब्बे में लोग कुछ बात ही नहीं करे, यही यही फलाना आदमी उसने जो है उसके उसके हाथ उसके पास में इतना इतने हथियार थे, उसे पुलिस वाले को भी कर दिया और ऐसा हो गया ऐसा। क्या बात है दादागिरी का और कुछ बात नहीं, क्या कुछ चर्चा ही नहीं उस एरिया में, रोज बंदूक चलती है, कल परसों उसका ये हुआ उसका वो उसका, यानी कि उनको क्या हो रहा है। लेकिन उनको एक दूसरे की कथाएं बताने में फलाना पुलिस ऑफिसर ऐसा था बहुत रस रहा था उसका, मैंने उसी की कथा सुनने में उनको बहुत उत्साह, पर अपने को भी ऐसा करना चाहिए, अपने को भी खूब बड़ा वाला दारू पीने वालों को दारू की कथा कि वो इतनी पीता था, वो दो पीता था, ये तीन चढ़ाता था, चार चढ़ाता था, समझा। क्रिकेट खेलने वालों को क्रिकेट खेलने वालों की कथा, क्या सबका अपना अपना रस रहता है। किसी को संजय संवरने का शौक हो, वो महिला इतनी साड़ियाँ खरीदती थी, इतना पहनती थी, इतनी डिजाइन पहनती, सबके अपने अपने रस होते हैं। बिजनेस वाले को बिजनेस की चर्चा होता ही नहीं होता, तो अपना रस कायम है धर्म में, तो अपन किन की कथा पढ़ेंगे, धर्मात्मा। यदि अपन दूसरों की पढ़ रहे हैं इसका मतलब रस काय का है उसका, कि कह रहे हैं जिस जैसे कोई वह उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा, जिसमें धर्मात्माओं की प्रशंसा हो और पापियों की क्या हो निंदा हो, जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है, क्या उसको रस बढ़ता है। जो जो वो उनकी प्रशंसा पढ़ता है, जो जो पापियों की निंदा सुनता है, क्यों क्यों पाप से भयभीत होता है, तो धर्म में और उसका उत्साह क्या होता है निरंतर पड़ता है। और वो सच्ची कथा है सर, तो सच्ची चीज सुनता है पढ़ता है तो उसको बिल्कुल पक्का हो जाता है कि अपन जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वास्तविक जीवन का सार यही है, महापुरुषों ने भी यही किया, 24 तीर्थंकरों ने यही किया, सभी समस्त जितने भी पुराण पुरुष हुए उन्होंने इसी को अपने जीवन का लक्ष्य रखा, तो उसको पढ़ के उसको जीवन में प्रेरणा मिलती है उनसे। और पाप की निंदा पापियों की निंदा भी पढ़ता है कि देखो उसने पाप किया उसका फल नरक मिला, उसका ये मिला, उसका ये मिला, उसका ये मिला, तो अपने आप उससे क्या होता है वो पाप से जो है दूर होता है, उसको उससे इंकरेजमेंट मिलता है किसी बात का। जैसे एक कुरान में कहानी आती है कि एक नाक्षी नाम की ब्राह्मणी थी, नाक्षी थी तो वो एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई, तो वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने एक बार मुनिराज के दर्शन किए, तो मुनिराज ने उसको पांच पापों के एक दिन त्याग रूप अनुव्रत दिए, कितनी अनुव्रत ले, और इसका मतलब ये है कि ये पांच पाप तेरे को ऐसे ऐसे नहीं करने, और उसको अनुव्रत दिए और उसको उसके घर भेज और कहा कि यदि तेरे को तेरे परिवार वाले कहे कि नहीं व्रत लेना अपने को, व्रत छोड़ने की कहे तो ये व्रत हमको वापस देने आ जाना, ये व्रत हमको ही लौटाना वापस, व्रत ऐसे ही मत छोड़ देना, हमारे व्रत हमको दे क्या हमको वापस देने आना। तो घर गई, घर पे उसने बताया अपने पिताजी को, पिताजी को नाराज हो गए, तुमने वो नागा बाबा से व्रत कैसे ले लिया, वो अपने महाराज थे नहीं है वो तो उनके हैं जैनियों के, अपन ने नहीं हुआ अपने को नहीं लेना कोई व्रत, व्रत छोड़ो। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा था व्रत छोड़ना हो तो मेरे पास आना, तो बोले चलो उनके पास जाके छोड़ जाना। तो रास्ते में उन्होंने फिर देखा एक आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, उसको फांसी पे क्यों चढ़ा रहे हैं, बोले इसने किसी की हिंसा की इसलिए फांसी चढ़ा। तो उसने पिताजी से कहा पिताजी आप क्या चाहते हैं मैं फांसी पे चढ़ जाऊँ, फिर मैंने यही तो व्रत लिया है कि ये काम नहीं करूँ क्योंकि इसका फल ये है, आप सामने के सामने देख लो एक की जीवान कट रही थी, बोले इसकी जीवान क्यों कट रही, बोले इसने झूठ बोला, बोला आप क्या चाहते हो जीवान कटे, एक के हाथ कट रहे थे, बोले हाथ क्यों कट रहे, बोले इसने चोरी करी, क्या एक को शूली पे चढ़ा रहे थे, एक का समस्त धन छीन रहे थे, तो उसने कहा काय के लिए, बोले इन्होंने कुशील का सेवन किया परी का क्या सेवन। तो वो उस सबकी साक्षी, बोले देखो ये यही तो हम कह रहे, इससे उसका क्या हुआ कि वो जो व्रत थे उन व्रतों के प्रति और पक्का बनाया, कि ये देखो उन्होंने यही बात तो कही थी कि भाई इससे अपने जीवन में कोई तकलीफ भी नहीं आएगी और नहीं तो ये होगा, ये नहीं करने की तो उन्होंने बात कही है। तो ऐसे अपन प्रथमा चरणा नियोग में अपन ने जो जो चीज़ें पढ़ी ये नहीं करना ये नहीं करना, तो प्रथमा नियोग में उसका फल भी दिख गया, देखो ये इसका फल कितना खोटा आता है सामने के सामने दिख रहा, जैसे अपन होता है ना लोग किसी आदमी ने कोई गलत काम किया हम तो पहले ही कह रहे थे
क्या क्यों? क्योंकि कुरान में यही तो लिखा था कि इसका फल ऐसा आता है, और ये सामने के सामने दिख रहा है, तो हमारा क्या होता है कि उससे क्या होता है, खोटे काम करने से भय और अच्छे काम करने में उत्साह जाता है। और एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जिसको जिसमें धर्मात्मा जो धर्मात्मा होगा उसको धर्मात्मा की प्रशंसा सुनने में रुचि आएगी, और पापियों की निंदा सुनने में उसका रस और बढ़ेगा, तो वो ऐसे पुराण पुरुष की कथा आत्मानी क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए वो इसको सुनने से धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है, अति उत्साहवान। इस प्रकार ये प्रथमा नियोग का प्रयोजन जानना, ठीक है, बाकी चर्चा कल।